everyone, this is Veronica. I welcome you all to Study IQ. आज हम बात करने जा रहे हैं धीरज कुमार सिंह जी से. यूपीएससी सीएससी का रिजल्ट आया है और इनका रैंक 64 है. सो आई वेलकम यू धीरज जी. कंग्रेचुलेशंस मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से. थैंक यू वेरोनिका जी. जी, और यहाँ पे मैं जो हमारे एस्पिरेंट्स हमको देख रहे हैं उनको बता दूं, यूपीएससी का अटेम्प्ट देने से पहले डॉक्टर हैं धीरज जी. एक डॉक्टर धीरज बेसिकली हमको बोलना चाहिए. इन्होंने एमबीबीएस किया है और एमडी भी किया है और प्रैक्टिस भी करते हैं, और फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने डबल डिजिट जो है रैंक वो हासिल किया है, जो कि बहुत बड़ी मुबारकबाद की बात है और इंस्पिरेशन की बात भी है. तो इनकी स्ट्रैटेजी पे आज हम बात करेंगे. सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप खुद ही हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताएंगे तो अच्छा लगेगा. मैं बेसिकली गोरखपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मेरी स्कूलिंग भी जो है यही उत्तर प्रदेश से हुई है. 12th तक मैंने हिंदी मीडियम से ही अपनी स्कूलिंग पूरी की और उसके बाद मैंने एमबीबीएस और एमडी रेडियोलॉजी में किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से. और 2018 पास आउट होने के बाद मैंने फुल डेडिकेशन के साथ अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया 2019 में, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 64th रैंक हासिल किया मैंने. बिल्कुल, बहुत ही इंस्पायरिंग है ये बात, इसलिए आपकी स्ट्रैटेजी को हम बहुत अच्छे से समझेंगे. आपको किस चीज ने मोटिवेट किया, क्योंकि आप ऑलरेडी डॉक्टर थे, डॉक्टर बीइंग अ डॉक्टर खुद में ही बहुत बड़ी उपलब्धि है, उसके बाद किस चीज से आप मोटिवेट हुए कि आपको सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है? मैंने बहुत सारे मोटिवेशनल फैक्टर्स रहे हैं इस शिफ्ट के दौरान. बेसिकली एमबीबीएस के दौरान ही मैंने कई बार अपने वाराणसी में प्रशासनिक कार्यों के द्वारा जो भी कार्य किए गए उनसे मैंने काफी मोटिवेट हुआ. कई अच्छे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आए जिन्होंने अच्छे काम किए, जिसने मुझे मोटिवेट किया कि अगर हमें बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स और इवन हेल्थ इश्यूज को ही अगर ट्रीट करना है अगर, तो उसके लिए हमें ग्रास रूट लेवल पे वर्क करना होगा, जिसके लिए हमें प्रशासनिक कार्यों में अपने आप को भी इन्वॉल्व करना होगा. तो यही सोच के मैं अपने खुद मोटिवेट हुआ और इस चीज में आने के लिए सोचा. लेकिन बेसिकली एमबीबीएस के बाद बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, मेरे पेरेंट्स ये चाहते थे कि एक सिक्योर लाइफ हो, सिक्योर कैरियर हो, जिसके बाद मैं इस फील्ड में आ जाऊं. तो इसलिए मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी सोचा और उसको पूरा करने के बाद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट अपना इस बार दिया. जी, अब यहाँ पे जैसे आपने मेंशन किया कि 12th तक की आपकी स्टडीज हिंदी मीडियम में हुई है, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत इस तरह के एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट करने में बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. तो आप वो जो ट्रांजिशन का फेस है, क्योंकि आपने जो एग्जाम है सीएससी का वो इंग्लिश में लिखा है, तो कैसे आपने इम्प्रूव किया, ये जो ट्रांजिशन फेस आपका कैसा रहा? इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी थी मुझे. मैंने 11th और 12th में भी इसके लिए मेहनत की. मैंने कुछ इंग्लिश बुक्स मैं पढ़ा करता था और अपने ज़्यादातर आंसर्स को इंग्लिश में लिखने की कोशिश किया करता था अपने 12th और 11th में भी. और खासकर फिर जब मेरा सिलेक्शन एमबीबीएस में हो गया तो उसके बाद तो सारी पढ़ाई भी इंग्लिश में होने लगी और टेस्ट भी इंग्लिश में हुआ करते थे. तो उसके लिए मुझे 2-3 साल अच्छे से मेहनत करनी पड़ी इन सब चीजों के लिए. तो उस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रगल पीरियड रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे ये सब चीजें रूटीन में आ गई थी. तो जब आपने सोचा कि आप अब सीएससी की प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो प्रीलिम्स से शुरू करते हैं, तो आपने प्रिपरेशन, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया है, आपने प्रिपरेशन कहाँ से शुरू की, किस तरह से सोचा कि क्या रोड मैप रहेगा आपकी इस जर्नी का? मुझे याद है कि मैंने 7th जून 2018 से मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी और उसके लिए मैंने सोचा था कि मैं बेंगलोर जाके कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग्स लूंगा और इसलिए मैं वहाँ बेंगलोर गया और कोचिंग भी ज्वाइन किया. लेकिन 3 months मैंने कोचिंग ज्वाइन करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, सेल्फ स्टडी ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए, क्योंकि कोचिंग्स में मुझे ऐसा लगता था कि मेरा समय ज़्यादा ही नुकसान हो रहा है. तो इसलिए मैंने अपनी सेल्फ स्टडी को किया और उसके लिए सबसे पहले मैंने जो शुरुआत की कि कुछ टॉपर से स्ट्रेटजीज को देखे और बेसिक बुक्स को मैंने देखा कि क्या चीजें पढ़नी होती हैं और उनको जब मैंने स्ट्रीमलाइन किया तो उसके बाद फिर मैंने यूपीएससी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एक एक टॉपिक का सेल्फ नोट्स बनाए और विद इन 4-5 months मैंने सारे नोट्स को कम्प्लीट किया. तो इसलिए पहले मैंने मेन्स पे फोकस किया और मेन्स सिलेबस को जनवरी एंड तक मैंने ऑलमोस्ट कवर किया और फॉर प्रीलिम्स मैंने जनवरी ऑनवर्ड्स अपना पूरा फोकस दिया था इसमें.
ठीक है, तो मतलब आपकी प्रिपरेशन मेंस कम प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए आपने पहले नोट्स प्रिपेयर किए और फिर प्रीलिम्स पे फोकस किया। अब हम मेंस पे अगर डिस्कशन करें, डिफरेंट डिफरेंट जीएस पेपर्स हैं, तो आपकी किस तरह की अप्रोच रही कि नोट मेकिंग की आपने बात की कि आपने नोट्स कंप्लीट किए पहले, तो किस चीज को ध्यान में रख के, किन फैक्टर्स को ध्यान में रख के आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, किस तरह से अपने नोट्स जो है वो प्रिपेयर करने चाहिए? नोट्स के लिए अगर देखा जाए तो मेंस, अगर हम रिसेंट ईयर के पेपर्स को एनालाइज करें 2-3 सालों से, तो यूपीएससी काफी ही चीजों को चेंज करता आ रहा है और अभी वो अपने सिलेबस और स्टैटिक पोर्शन पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है रादर देन करंट अफेयर्स को। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले यूपीएससी सिलेबस के एक एक वर्ड्स को हमें ध्यान में देना होगा और सारे वर्ड्स पे हमें कम से कम 2-3 पेजेस के नोट्स, जो कंटेम्प्ररी इश्यूज भी जो चल रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनके बेसिक स्टैटिक नोट्स को करना होगा। और उसके लिए मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज का भी बहुत ज्यादा प्रयोग किया और सारे वर्ड्स को काफी ध्यान से मैंने देखा और उस पर नोट्स बनाए थे, चाहे वो GS1 हो, GS2 हो, GS3, GS4, इवन एथिक्स के क्वेश्चन, सारे मैंने वर्ड्स को उस पर सेल्फ नोट्स बनाए थे। तो और नहीं को मल्टीपल टाइम्स मैंने रिवाइज किया था ड्यूरिंग दिस। जी, तो आपका ऑप्शनल जो है वो क्या था? मेरा ऑप्शनल मेडिकल साइंस ही था, बीइंग मेडिकल ग्रेजुएट मैंने उसी को प्रेफर किया था उसको। जी, आपका ऑप्शनल यही था, तो ऑप्शनल में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? मेडिकल साइंस एक टेक्निकल बैकग्राउंड है बट यूपीएससी के सिलेबस को अगर देखा जाए तो थोड़ा लेंथी है मेडिकल साइंस, और ये एक इसके लिए नेगेटिव पॉइंट भी है कि ये वोलेटाइल है, लेंथी है और इसके लिए बहुत मल्टीपल रिविजन देने होते हैं। बट मेरा मानना है कि इसकी खासियत यही है कि आप अगर टू द पॉइंट आंसर्स लिखते हैं तो मार्क्स इसमें अच्छे मिल सकते हैं, और अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन अच्छे से पढ़ाई की है तो ये आपके लिए काफी अच्छा सब्जेक्ट है टू चूज। जी, मेडिकल ऑप्शनल पे भी हम थोड़े से डिटेल में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने जैसे नोट्स मेकिंग को मेंशन किया, तो मैं आपसे यहाँ पे दो एक सवाल पूछूंगी जो इंटीग्रेटेड रहेगा कि नोट्स मेकिंग, जब आप तैयारी कर रहे हैं आप नोट्स बनाएंगे, लेकिन फिर आपका एक आंसर राइटिंग का स्टाइल रहता है कि आप आंसर में इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, तो किस चीज को ध्यान में रख के अपने नोट्स बनाते थे और फिर उसको किस तरह से आंसर राइटिंग में मेंस में इम्प्लीमेंट करते थे? आंसर राइटिंग में तो इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन वही फॉर्मेट मैंने रखा था हमेशा, और उसके लिए नोट्स में भी मैंने जैसे कि अगर हम एक टॉपिक लेते हैं जैसे विमेन के इश्यूज हैं, अगर विमेन GS1 और GS2 दोनों में कवर हो जाता है उसके सोशल इश्यूज और वेरियस, तो मैं उसको इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलता था और उसमें विमेन के जैसे सारे इश्यूज को मैं सेग्रीगेट करता था कि कितने इश्यूज विमेन पे हैं, चाहे वो उसके सोशल इश्यूज हैं या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जैसे इश्यूज हैं, सारे इश्यूज को एक बार लिख के फिर उसके सारे पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, गवर्नमेंट्स के क्या एफर्ट्स रहे हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए या क्या कमियां रह गई हैं, तो सारे उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव उस टॉपिक्स पे मैं नोट्स बनाता था, और ताकि कहीं पे भी GS1 हो, GS2 हो या इवन GS3, कहीं पे भी कैसे भी क्वेश्चंस आए तो एक इंटीग्रेटेड मेरे नोट्स रहे, तो उस हिसाब से आंसर राइटिंग में भी काफी हेल्प मिलती थी मुझे। जी, उसके बाद एसे पेपर रहता है, एसे के लिए क्या खास तैयारी जो है वो आपने की थी? एसे के लिए अगर पुराने पेपर्स पिछले साल के देखे तो उसमें थोड़ा चेंज आया, और वो ये था कि उन्होंने फिलोसॉफिकल एसेस पे भी काफी फोकस किया था, एक सेक्शन पूरे फिलोसॉफिकल हुआ करते थे और एक में काफी टेक्निकल हुआ करते थे, तो मेरा एक पहले से ही फोकस था कि फिलोसॉफिकल पे थोड़ा ज्यादा ही फोकस किया जाए, क्योंकि ये थोड़ा मेरा स्ट्रांग पॉइंट भी था कि ऐसे ऐसे में मैं थोड़ा अच्छे से लिखा करता था, तो इस पे मैंने खासी मेहनत की कि क्या इंट्रोडक्शन कैसे शुरू करना है, कैसे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं और किस क्या क्या कोट्स कहाँ पे हमें तैयार करने हैं जिसको हम इंसर्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग एसे, तो ये मेरा उस पे ज्यादा फोकस रहा करता था। जी, अब मेडिकल ऑप्शनल पे आते हैं, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स हमने देखा है कि पहले भी सिलेक्ट होते हैं और यूजुअली आई हैव सीन कि लोग मेडिकल ऑप्शनल जो है उसी को लेके तैयारी करते हैं, तो उसको आप थोड़े डिटेल में बताइए कि किस तरह से यूपीएससी के लिए मेडिकल ऑप्शनल को तैयार किया जाए। ऑप्शनल्स के लिए बेस्ट तरीका यही होता है कि यूपीएससी के सिलेबस को देखें, क्योंकि ऑलरेडी मेडिकल साइंस का सिलेबस जो है काफी ब्रॉड है, तो पहले हमारा यही फोकस रहना चाहिए कि यूपीएससी के सिलेबस को ही तैयार किया जाए, न कि क्योंकि मेडिकल साइंस में ऑलमोस्ट 19 सब्जेक्ट्स होते हैं ड्यूरिंग आवर मेडिकल ग्रेजुएशन, तो उसको
डिटेल नहीं करना है, हमें सिलेबस से स्टिक करते हुए सारे टॉपिक्स के अपने नोट्स बनाए जा सकते हैं, और पुराने क्वेश्चंस को देखते हुए ऑप्शनल्स के 10 ईयर क्वेश्चंस को मैंने तैयार किए थे, उस बेसिस पे अपने नोट्स भी क्रिएट किए थे। और बहुत ज्यादा मल्टीपल रिसोर्सेज को नहीं करना है ड्यूरिंग आंसर राइटिंग, हमें फ्लो चार्ट्स का ध्यान रखना है कि कैसे हमें डायग्राम्स का और फ्लो चार्ट्स का मैक्सिमम यूज करते हुए अपने आंसर्स को काफी टू द पॉइंट रखना है, जो पूछा जा रहा है उसको आंसर किया जाए, तभी हम मेडिकल साइंस में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। जी, मेडिकल साइंस की अगर बात करें, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत डिटेल में आप MBBS में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास वर्ड लिमिट है कि इतने लिमिट में आपको पेपर का टाइमिंग भी है, खत्म भी करना है, इतनी डिटेल में भी नहीं जा सकते, तो आंसर राइटिंग का स्टाइल क्या रहना चाहिए, पैराग्राफ स्टाइल या बुलेट में, आप किस चीज को प्रेफर करते थे? नहीं, मेडिकल साइंस में मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में फ्लो चार्ट्स का ही यूज किया था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में वो लोग मैनेजमेंट पूछते हैं कि इस डिजीज का क्या मैनेजमेंट होगा, तो मैनेजमेंट अप्रोच एक फ्लो चार्ट में ज्यादा ही बेहतर रहता है और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रहती है जो कॉपी चेक करता है, और कम वर्ड्स यूज किए जाते हैं, तो इसलिए अगर हम फ्लो चार्ट्स को मैक्सिमम यूज करें ड्यूरिंग फॉर द मैनेजमेंट राइटिंग तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, अपना समय बचाने के लिए, अपने वर्ड्स लिमिट्स को बचाने के लिए वो बेहतर रहता है। आपने ऑप्शनल के लिए कोई टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट जो है वो प्रैक्टिस कभी किए? नहीं, ऑप्शनल्स के लिए मैंने कोई भी टेस्ट सीरीज, ऑलरेडी मार्केट में बहुत कम अवेलेबल है, और मैंने उस पे कोई भी मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज कुछ भी नहीं लिया था ऑप्शनल के लिए। और प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम्स के लिए मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हुआ था, टेस्ट सीरीज मैंने लास्ट 2 मंथ्स में अप्रैल और मई में ज्यादा फोकस किया था प्रीलिम्स के टेस्ट के लिए, उसके पहले मैं प्रीलिम्स के लिए सारे स्टैटिक बुक्स और जो करंट अफेयर मैगजीन्स होते हैं उसको कवर किया, और लास्ट के 2 मंथ अप्रैल और मई में ऑलमोस्ट 8 to 10 टेस्ट अच्छे से दिए थे। जी, जो भी रीसेंट ट्रेंड यूपीएससी का रहा है, करंट अफेयर्स पे बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, आपके इनफैक्ट स्टैटिक क्वेश्चंस भी कहीं ना कहीं करंट सिनेरियो से आप कमेंट करना लोग प्रेफर करते हैं एस्पिरेंट्स, तो उस चीज को आप कैसे देखते हैं कि करंट अफेयर्स को किस तरह से पढ़ा जाए और किस तरह अपनी आंसर राइटिंग में इंटीग्रेट किया जाए? करंट अफेयर एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है यूपीएससी सीएससी एग्जाम्स में, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, तो इसके लिए हमें रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी इसमें ज्यादा बेहतर रहती है, रादर देन कि डेली आप न्यूज के सारे कंटेंट्स पढ़ के टाइम उसमें वेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए मेरा मानना है कि आप ज्यादा करंट इश्यूज क्या चल रहे हैं उनको नोट करें, एक जनरल ओवरव्यू किया करें नोट न्यूज़पेपर्स का कि क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज यूपीएससी पर्सपेक्टिव से चल रहे हैं उनको नोट डाउन करें, और फिर जब एक क्लब हो जाए विद इन 7 डेज कि ये इंपॉर्टेंट इश्यूज है, फिर हमें उन्हें रिट्रोस्पेक्टिवली न्यूज़पेपर्स के थ्रू या जो भी हमारे कोचिंग मटेरियल्स होते हैं करंट अफेयर पे मैगजीन्स होती हैं उनके उनमें सेग्रीगेट करके हमें रखना चाहिए, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है हमें रिट्रोस्पेक्टिवली स्टडी करने के लिए। जी धीरज जी, आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते थे, क्या उस टाइम भी आप प्रैक्टिस कर रहे थे प्रिपरेशन के टाइम, या पूरा टाइम आप प्रिपरेशन को दे रहे थे? नहीं नहीं, मैंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी पोस्ट ग्रेजुएशन 2018 में जैसे कंप्लीट हुआ था, उसके बाद मैंने तुरंत ही फुल टाइम अपनी सेल्फ स्टडी पे ही फोकस किया था। तो एक दिन में कितना वक्त देना चाहिए, टाइम मैनेज कैसे करना चाहिए कि एक ही सब्जेक्ट सिलेबस हम कंप्लीट करें या 2-3 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ें, क्या आपका स्ट्रेटजी क्या था? मेरा स्ट्रेटजी ये रहता था कि एक ग्रुप स्टडी होती थी रादर देन ग्रुप स्टडी, मेरा एक फ्रेंड था जो अभी 340 रैंक उसकी भी आई है, हम दोनों साथ पढ़ा करते थे और हम लोग की रूटीन थोड़ी लेंदी रहती थी, जैसे कि 7 to 7:30 हम लोग उठ जाया करते थे और रात के ऑलमोस्ट 11 o'clock हो जाते थे, बीच में अपना डेली रूटीन के पार्ट्स भी रहते थे, बट इतना हमारा डेडिकेशन था कि 1.5 years हमने ऐसे ही पढ़ाई की थी, और उसमें हम अपने टाइम को डिवाइड किया करते थे, जैसे कि अर्ली मॉर्निंग हम लोग अपने ऑप्शनल्स को देते थे और उसी में नोट्स मेकिंग रखते थे, और फिर आफ्टर 11 o'clock या 12 o'clock इन मॉर्निंग हम लोग फिर GS के पेपर्स को शुरू किया करते थे, और डेली GS1 और GS2 मीन्स 2 पेपर को हम लोग लेके चला करते थे और एक ऑप्शन लेके चलते थे, ये रूटीन हमारा रहा करता था। ये बहुत बढ़िया बात है कि आपके पास कोई फ्रेंड भी था, सो कई बार बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं और दोनों का ही रैंक आ गया, सो दैट इज रियली अमेजिंग कि आपके इस तरह का जो ग्रुप है वो होना चाहिए, वो डेफिनेटली हेल्प करता है।
अब हमने प्रीलिम्स और मेंस की बात की, अब इंटरव्यू पे आते हैं। तो इंटरव्यू के लिए क्या खास तैयारी, मॉक्स या कुछ आपने कैसे उसको प्रिपेयर किया? मैंने अपना इंटरव्यू एक्चुअली मेंस के बाद मैं फिर से जो अपने जॉब ज्वाइन कर लिया था और इसलिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन मेंस के रिजल्ट के जस्ट बाद से मैंने अपना प्रिपरेशन शुरू कर दिया था। और मेरा सेकेंड डे इंटरव्यू था 18 फेब को ही, और विद इन 1 मंथ मैंने फुल्ली टाइम दिया इंटरव्यू के लिए। और इसके लिए मैंने सारे अपना जो भी प्रिपरेशन था वो 2 तरीके से किया, एक डेफ बेस्ड था मेरा प्रिपरेशन और दूसरा कंटेम्प्रेरी जो इशू चल रहे हैं उस पर मैंने फोकस किया। डेफ के सारे पॉइंट्स को मैंने नोट किए, उसके डिफरेंट एंगल्स को एनालाइज किया, उस पर मैंने अपने क्वेश्चंस सेल्फ प्रिपेयर किए और उस पर आंसर्स भी कुछ तैयार करके रखे हुए थे। और कंटेम्प्रेरी इशूज को भी मैंने डिफरेंट एंगल्स के लाइक सोशल इशूज, पॉलिटिकल इशूज एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ऐसे मैंने डिवाइड करके बहुत सारे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस खुद प्रिपेयर किए और उनके आंसर्स के नोट्स भी बनाए और उसको 2-3 बार मैंने रिवाइज भी किया था। और आफ्टर दैट इन बिटवीन मैंने 3 मॉक्स भी दिए थे दिल्ली में, और बीइंग सेकंड डे ही होने का मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिल पाया था इसके लिए, तो उस समय मैंने जल्दी से अपना देकर फिर मैं लौट आया था। ओके, तो ये तो आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन की बात थी। आपका एक्सपीरियंस इंटरव्यू बोर्ड के सामने किस तरीके का था, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इतने आगे निकल गए, कई बार लोगों के 2-3 एक्सपीरियंसेस भी रहते हैं, तो वो प्रेशर, वो एनवायरनमेंट वहां पे किस तरह का होता है बोर्ड के सामने? मेरा बोर्ड सुजाता मेहता मैम का था और दैट वाज वेरी कॉर्डियल। उन्होंने कहीं पे भी ऐसा कुछ ग्रिलिंग या ऐसा कोई कहीं भी कोई कंपोनेंट नहीं था, काफी सुलझे से सवाल रहते थे और मोस्टली मेरे जो क्वेश्चंस थे वो एप्लीकेशन बेस्ड थे और एप्लीकेशन बेस्ड ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थे और ऑप्शनल से भी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, सोशल इश्यूज पे क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए थे मुझसे। ओके, इसके बाद मैं पूछूंगी कि जैसे आजकल बहुत ही ज्यादा मटेरियल, ऑफलाइन मटेरियल भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, ऑनलाइन आप पढ़ने बैठेंगे तो भी आपको समझ नहीं आएगा, ओवरलोड ऑफ मटेरियल हम जिसको बोले वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, किस तरह से आपने सेग्रीगेट किया कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना? इसके लिए हमारा सबसे ज्यादा जो गाइडिंग फोर्स होना चाहिए वो यूपीएससी सिलेबस होना चाहिए। यूपीएससी मेंस के सिलेबस आप अपने पास हमेशा रखें और उनके हर कंपोनेंट को एनालाइज करिए कि क्या न्यूज में चल रहा है और क्या वो यूपीएससी से लिंक्ड है कि नहीं है। अगर वो यूपीएससी सिलेबस से लिंक्ड है तो ही हमें उस टॉपिक को ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, अदरवाइज हमें उसे बहुत ही लो प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। जब हमारा सिलेबस एज पर सिलेबस यूपीएससी सिलेबस खत्म हो जाए तभी हमें इधर उधर देखने की जरूरत होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जैसे शुरू में आपने मेंशन किया कि जब आपने प्रिपरेशन शुरू की तो आपने टॉपर की स्ट्रैटेजीज देखी, तो हमारा भी मकसद स्टडी आईक्यू पे ये इंटरव्यूज कराने का यही रहता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास प्रॉपर मेंटोरशिप और गाइडेंस नहीं होती, जो रूरल एरियाज से बिलोंग करते हैं। तो आई एम श्योर आपका इंटरव्यू देख के भी आज बहुत लोग इंस्पायर हुए होंगे और आपकी स्ट्रैटेजी को अपनाएंगे। जाते हुए लास्ट में कोई जनरल सजेशन जो आप यंग एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे? मैं यंग एस्पिरेंट्स को बेसिकली 2-3 टिप्स देना चाहूँगा कि यूपीएससी के लिए अगर अच्छे से मेहनत की जाए तो 1.5 ईयर सफिशियंट टाइमिंग होती है और इसके लिए हमें कुछ चीज़ों का बहुत ही ध्यान देना होगा। पहली चीज़ कि यूपीएससी सिलेबस को अच्छे से देखें, क्योंकि अगर मेंस के सारे क्वेश्चंस देखे जाए तो टू द पॉइंट मेंस के यूपीएससी के सिलेबस से ही सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। दूसरी चीज़, अपने रिसोर्सेज को मिनिमम रखें और अगर बेहतर हो यही रहेगा कि आप अपने सारे पॉइंट्स पे, सारे सिलेबस पे अपने सेल्फ नोट्स बना के रखें ताकि लास्ट टाइम आप उन्हें मल्टीपल रिविजन्स दे सकें। और तीसरी चीज़ कि आप मेंस के बाद आंसर राइटिंग पे पूरी तरीके से फोकस करें, कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, अपने स्पीड को बढ़ाएं और पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, टू द पॉइंट लिखें, तभी आपके अच्छे रैंक्स एग्जाम में आएंगे। थैंक यू सो मच धीरज कि आपने हमको वक्त दिया और अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर की, और मेरी पूरी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू।